सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर बहुत ही ऑसम है एंड मॉम मिशन के ऊपर भी है, तो आप बताइए कि अब कुछ ही घंटे में स्ट्रीमिंग होने वाला है ये मॉम, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि जैसा कि हमने अपने ट्रेलर के ज़रिए कहा है कि कुछ उड़ानों के लिए पंख की नहीं जज्बों की ज़रूरत होती है, जज्बे की, तो वो हमने अपने शो को दिया है, सीरीज़ को दिया है। बहुत प्यारा शो है, बहुत दिल से बनाया गया है। इट्स बीन रिटन ब्यूटिफुली, इट्स बीन डायरेक्टेड ब्यूटिफुली एंड होपफुली आप देखने के बाद आई होप यू कैन से कि इट्स बीन परफॉर्म्ड ब्यूटिफुली एज वेल। लेकिन हम लोगों ने बहुत दिल से बनाया है और आप लोग देखिए, बाकी तो आप लोग बताएंगे कैसा है। क्यों जी जी, तो जो बातें साक्षी जी ने बोली उसके अलावा मैं एक चीज कहूँगा कि ये एक जीत की कहानी है। जीत एक पूरे देश की, एक बहुत कम की मौजूदगी में बहुत कुछ करने की जीत, तो मेरे ख्याल से ये एक इट्स अ स्टोरी विच गिव्स होप टू पीपल। और आज की दुनिया में हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग पाते हैं कि इतना बुरा चल रहा है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, और मुझे इस कहानी में सबसे अच्छी बात ये लगी कि कमी के बारे में कभी नहीं सोचा गया। इस कहानी के जो पात्र हैं वो कहते हैं कि कितने कम में हम कितना कुछ कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत पावरफुल स्टोरी भी है हम सब के लिए, अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए। और आई रियली एन्जॉयड वर्किंग, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर, द सेकेंड टाइम आई एम वर्किंग विद हर, एंड बाकियों के साथ पहली बार काम किया, और अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करने में हम लोग सब बहुत कुछ सीखते हैं। सो आई हैड अ एब्सोल्यूट ब्लास्ट वर्किंग इन मॉम। पिछली बार जब हमने काम किया था सर, तो हमारे सीन्स नहीं थे साथ में, पर एक बार मैंने कुछ बुरा किया था, बहुत डिस्टेंस। सो इस बार बहुत सारे सीन्स हमने किए, मेरे तो ज्यादातर सीन्स सर के साथ रहे, और काम तो कर ही रहे थे हम लोग, लेकिन काम के साथ साथ एक तरह से सर से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा था। इज सच अ फाइन एक्टर, इट वाज खाना भी खाया और खाना भी है सर, बहुत अच्छा खाना लेकर आए थे घर से एक बार, आप भी लाई थी। हाँ, तो बहुत मजा आया, इट वाज अ ब्यूटीफुल शूट। यू नो हमारा चंद्रयान 2 भी चंद्रमा पर लगभग पहुंच ही गया है, इससे इसरो के जरिए उसे कनेक्शन करने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसरो की टीम को, क्योंकि आपकी फिल्म में भी उसी तरह दिखाया गया, क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में? पता है पहली बार ऐसा हुआ कि जब इस तरह का कोई प्रयास देखा कि वहाँ पहुँच कर एकदम मंजिल से 2 किलोमीटर दूर जाके रास्ता भटक गया, तो पहली बार हम उस चीज़ को समझ पाए, और उस चीज़ को समझने के बाद निराशा नहीं हुई, क्योंकि हमने इस शो में ये पूरा प्रोसेस देखा, सीखा और समझा कि कितनी मेहनत जाती है वहाँ तक पहुँचना, भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक कामयाबी है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। और जैसा कि मतलब हमारा एक सीन भी है यहाँ पे भी, बिकॉज मंगलयान के भी कुछ लॉन्च फेल हुए थे, तो दैट इज़ एग्जैक्टली यू नो व्हाट वी कुड आइडेंटिफाई विद, कि इट्स एन एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग, लॉन्चेस फेल होते हैं, फिर से कोशिश की जाती है एंड इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट, अभी तो हमारे पास दिन बाकी हैं, हाँ अभी तो वहाँ सवेरा है, दिन है, तो जब तक रोशनी है यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि एक चीज़ होती है मिशन, ज़िंदगी में हम सबकी कोई मिशन होती है, और उस मिशन के दौरान कुछ एक स्टेप्स होते हैं, तो अगर हम लोग देख पाएँ कि ये जो मंगलयान का जो एपिसोड है वो एक स्टेप में हम लोग थोड़े फिसले हैं, बट आई थिंक व्हाट वी मस्ट रियली लॉड इज़ द मिशन ऑफ इसरो, जो मिशन की जहाँ पर वो लोग फार बियॉन्ड, मतलब आसपास बहुत सारे देश ऐसी बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे मिशन पे निकले हैं, तो मेरे ख्याल से दैट इज द थिंग दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ। मिशन मंगल कुछ ही घंटे में और स्ट्रीमिंग होने वाला है, आप बताइए कि क्या आप ये करते हैं, मिशन मंगल, मिशन ओवर मार्स एज इज द नेम ऑफ आवर शो, यू आर राइट, अभी कुछ ही
घंटों में आने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई डोंट नो हाउ टू इवन कन्वे माई एक्साइटमेंट ऑनेस्टली. हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की है. हमने ये एक ऐसी स्टोरी है जो मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ वुमेन जिन्होंने हमारे देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, राइट. एंड उनमें से एक को रिप्रेजेंट करना, डिपिक्ट करना मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग है. एंड द फैक्ट दैट नाउ वी आर रेडी टू बी आउट देयर एंड फॉर एवरीबॉडी टू सी इट इज अ वेरी स्पेशल फीलिंग. यू नो ट्रेलर में हमने देखा आपके भी स्टार कास्ट में सबके ऊपर एक मिशन है मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है मेगन रेड्डी. तो मेगन एक ऐसी लड़की है जिसे साइंस के सिवा और कुछ समझ में नहीं आता. तो आप उससे साइंस की बातें करवा लो वो अच्छे से कर लेगी, लेकिन जैसे कहते हैं कि उसका आईक्यू बहुत हाई है लेकिन उसका ईक्यू बहुत लो है. सो शी कैन टॉक साइंस विद यू बट शी हैज़ नो सोशल स्किल्स. सो इट वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट. क्योंकि एज एक्टर्स यू नो वी आर मेंट टू हैव हाई इमोशंस एंड देन देयर यू आर आउट देयर प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच इज वेरी लो ऑन इमोशंस. तो दैट वे इट्स अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर फॉर मी. इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्चुअली. यू नो हमारा चंद्रयान 2 भी लगभग चंद्रमा पर पहुंच ही चुका है एंड हमारी इसरो की टीम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है. तो इसरो की टीम को क्या विश करना चाहिए क्योंकि सेम मिशन का है इसरो से क्या विश करना चाहिए आप हमारी इंडियन टीम या इसरो की टीम से मैं ये कहना चाहूँगी. आई मीन मोर देन एनी थिंग एल्स आई वॉन्ट टू से दैट थैंक यू वेरी मच. और जो लोग ये कहते हैं हम कि मून के करीब पहुँच गए, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक हम मून पर पहुँच गए हैं. यू नो वी आर देयर एंड हम सबके फिंगर्स क्रॉस्ड हैं एज वी नो दैट यू नो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो. But just the fact that we have reached as far as we have and is a feat which, you know, like mission, like the Mars mission, here's a bunch of people who put a satellite in Mars orbit in its very first attempt. And we have, as a nation, we have so much to be proud of. So main bahut, bahut proud Indian hoon and main ISRO se thank you kehna chahungi for setting this example that hopefully the rest of us then walk in our respective fields. So thank you very much. देखिए धरती पे तो हम लोग ने कर लिया जो करना था, अब जो ऊपर करना है वो हम देखना चाहते हैं. एंड जैसे कि आपने अभी थोड़ी मिस्टेक की, मिशन मंगल बोल दिया, मिशन ओवर मार्स, एक्चुअली वही है. अभी बोलते हैं ना फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो हम वही देखना चाहते हैं. एंड आई एम डैम एक्साइटेड टू सी दिस and you can see I'm the first one I think so to nahi aur log aa chuke hain but the thing is chalo main apne aap ko khush kar rakhta hu that's the reason ke jaise mujhe aaya invitation that today is the screening so I was damn excited and I made it a point that I should come and see this and alt ke sath to mera pehle se relation bahut acha hai. I've done two web series with them and this is an opportunity for me even to first time थोड़ा कम प्रेशर में देखना क्योंकि इट्स अ थिंग वेयर आई विल नाउ एंजॉय द होल थिंग. सो आई एम डैम एक्साइटेड. यू नो हमारा चंद्रयान 2 भी पहुंच चुका है क्योंकि आप डायरेक्टर, इसलिए ऐसे आप फिल्म बनाने की कुछ सोच रहे हैं आप इन फ्यूचर में? हम आपको देखेंगे लाइक ऑल्ट बालाजी के जरिए जी फिल्म वो तो भी सर सर हमारी फिल्म लाइन में कुछ भी मुमकिन है. तो फिंगर्स क्रॉस एंड यू नेवर नो. आपने जो अभी बोलते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ होती है जो हम बोलते हैं और वो सच हो जाती है. तो अभी ये शायद वो वक्त और वो ग्रहण शायद मिल रहे हैं और आपने जो बोली तो वो बात भी सच हो सकती है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. हम लोग तो क्रिएटिव लोग हैं. आई एम अ राइटर देन अ डायरेक्टर. सो वी ऑलवेज लुक फॉर स्क्रिप्ट एंड अगर इस तरह से कुछ बन जाती है कुछ अच्छी चीज़ एक्साइटिंग सो वाई नॉट. मॉम को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी. ऑफ कोर्स ऑल्ट बालाजी एंड एवरीवन इन द एंटायर टीम बहुत ही हैपनिंग टॉपिक है. तो आई गेस इट्स गोइंग टू गार्नर अ लॉट ऑफ आईबॉल्स आई होप एक्चुअली. एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स ऑन ऑल्ट. इसके अलावा
बहुत 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 ज़्यादा प्राउड मोमेंट है. आई रिमेंबर 1:50 AM हम टीवी देख रहे थे होपिंग फॉर अ गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ एनी न्यूज़ यू नो जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी यू गॉट ऑल ऑफ आर होप्स अप. इसरो ने हम सबके होप्स को बहुत हाई पहुंचा दिया एंड आई रियली फील दैट आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी एंड आई एम ग्लैड दैट we have reached where we are reaching and this is just the beginning. There are lots and lots of things to conquer. I'm so proud of ISRO. जी बिल्कुल आप मुझे देख सकते हैं ऑल्ट बालाजी पे. मेरा नया शो आने वाला है बहुत जल्द फितरत. So I'm really excited for that. It should be out somewhere in October. So I'm looking forward to that and I hope you guys are looking forward to it too. फितरत क्या है आप मुझे बताओ फितरत का मतलब क्या है. हाँ बहुत दिनों के बाद दिख रही हूँ. मेरा नया शो है फितरत. इट्स ऑल अबाउट नेचर इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर. फितरत जो कहते हैं इंसान की फितरत. तो आई एम नॉट प्लेइंग आउट एंड आउट पॉजिटिव कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम प्लेइंग समथिंग everyone's playing something great so it's interesting to watch. ji trailer aapne dekha hoga mission mars bataiye ki kitne excited hain aap series ko dekhne ke liye. ji ji I'm looking forward to it. ALT balaji ke sath association raha hai mera barish ke zariye and ab inka ye show mom aa raha hai mission mangal se. abhi mera experience hua hai kafi kuch janta hu is mission ke bare mein और अब उस कहानी का पोटेंशियल बिल्कुल ऐसा है कि एक वेब शो में कन्वर्ट हो सके. क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद फिल्म में कवर नहीं करवाए बिकॉज फिल्म की लेंथ खाली उतने तक हो सकती है. तो ये वेब शो में बहुत कुछ और हमें उसकी गहराई समझने में आएगी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट. इसरो टीम को यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बेहद बेहद गर्व महसूस करते हैं. उन्होंने जो कमाल का काम अब तक किया है और आगे भी करते जाएंगे और वी आर प्राउड ऑफ देम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एंड इवेंचुअली दिस विल इम्पैक्ट ऑल आवर लाइव्स एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आई फील एक्सट्रीमली प्राउड. इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन. मुझे ऐसी फिल्में करना पसंद होती है जो मिडल ऑफ द लाइन है जो कमर्शियली भी सक्सेसफुल रहे और साथ ही साथ हम ऐसा कुछ कह सके जिससे लोगों को कुछ और जानकारी या एक और एक एस्पेक्ट देखने और समझने में मिले. तो ऐसा मिशन मंगल के जरिए हुआ है एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ दैट. बारिश में आपने काफ़ी अच्छा बालाजी की जो वेबसीरीज में क्या आने वाले दिनों में क्या इसका टू और भी तो कई कुछ ना कुछ उनके अंदर आप एट द एंड कुछ खत्म नहीं होता है जो नेगेटिविटी है वो खत्म नहीं होती है उसके अंदर तो कहीं ना कहीं इसका टू पार्ट टू आ सकता है. Yeah, I hope so. I am open to it. जब भी बनेगा अब सीजन टू अगर बनती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन इट सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे. एक्चुअली एकता के ट्वीट के जरिए पता लगा कि जो 6 दिन में टारगेट अचीव करना था नहीं सॉरी 6 हफ्ते में टारगेट अचीव करना था वो 6 दिन में हो गया. तो आई अज्यूम कि अच्छा ही होगा सब कुछ. नाम ही गलत बोल रहे हैं. ओवर मार्स ऑन मार्स ओवर मार्स. कई सारी बातें इसमें एकता जी ने बनाया तो ये बताने की आवश्यकता है नहीं कि एकता जी में मेरा विश्वास कितना गहरा है. और जो स्टारकास्ट हैं साक्षी जी हैं मोना जी हैं जो मेरी को स्टार है कहने को हम सफर बहुत ही टैलेंटेड स्टारकास्ट है. और अच्छा यहाँ देख के बोल पूरा फिर से बोलना पड़ेगा. तो अभी अभी आया हूँ देखना है शो. मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही कमाल का शो होगा. बेहतर होगा कि हम एक बार मैं शो देख लूँ उसके बाद फिर हम लोग वार्तालाप करें.
पहुंच गए ना हम लोग। हाँ तो एक हिस्सा 2.1 किलोमीटर दूर रह गया, दूसरा हिस्सा तो पहुंच गया ना। अब संपर्क सिद्ध नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। मैं ट्विटर पे विश कर चुका हूँ उनको, और मैंने ये कहा था कि संपर्क टूटा है, साहस अभी भी है, संकल्प अभी भी है। चंद्रमा कौन सा दूर है, आइए बाहर दिखाता हूँ आपको, सामने ही है। कौन सा अवार्ड मिला मुझे? अच्छा, हाँ हाँ, बहुत जब भी मुझे कोई पुरस्कार मिलता है, मैं क्या हम सबके परिवार हैं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलानी पड़ती है, हमको किचन चलाना पड़ता है, लेकिन मैं दृढ़ विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि एक अभिनेता जो होता है या कोई भी आर्टिस्ट, वो तालियों की गड़गड़ाहट से ज़्यादा उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो जब वो कोई काम करता है, उसका पुरस्कार जो होता है, वो जो हमारे फैंस होते हैं, हमारी जनता होती है, उनके प्रेम का प्रतीक होता है, तो वो जब दिया जाता है आपको हाथ में, उससे बड़ी खुशी कोई है नहीं। तो इससे आगे मैं क्या कहूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे अवार्ड मुझे ही मिले इस साल। मॉम अभी थोड़ी देर में पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, और इसमें किस तरह से फीमेल साइंटिस्ट ने किस तरह से अपने मन से काम किया है, जिस वजह से हिंदुस्तान को प्राइड दिया है, उसके ऊपर ये शो है। बहुत ही बेहतरीन शो है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, शूट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है। बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, एक्टर्स और टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, एंड ऑफ कोर्स एकता जी। सो एकता जी का शो है तो इट हैज़ टू बी गुड, एंड आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल शो एंड पीपल विल थोरली एंजॉय इट। थैंक यू। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली अभी जो चंद्रयान का जो अभी जो इतना ये इतना इतना बड़ा न्यूज़ चल रहा है, और आज मुझे पता चला, सुबह मैंने पढ़ा न्यूज़ में कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, हमारे सैटेलाइट को। तो इतना अभी ये करंट अफेयर के हिसाब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखना चाहूँगी कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इसे हमारे हमारी मीडियम में, मतलब थ्रू वेब सीरीज़ किस तरह से बनाया गया है। इसरो टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि यू नो जिस तरह से टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि हम चांद पर पहुँच गए, वो भी विद सच अ ह्यूज सैटेलाइट, एंड अभी कनेक्ट अभी कम्युनिकेशन नहीं बना है पर लैंड हो गए हैं, कम्युनिकेशन बन जाएगा बहुत जल्दी। और आज मैं देखना चाहूँगी कि थोड़ा शायद इंसाइट मिले कि किस तरह से वो किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से ये मिशन पॉसिबल हो पाया है, उसमें एक छोटी सी झलक देख पाएंगे शायद। बहुत एक्साइटेड हूँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए क्योंकि टाइमिंग बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक यू नो आई एम मोस्ट एक्साइटेड बिकॉज द टाइमिंग ऑफ द शो टू कम आउट इज ब्रिलियंट। वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड यू नो वट एवर वी ऑल वर फीलिंग दो दिन पहले, सो उसके हिसाब से इट्स अ गुड टाइमिंग, इट्स अ गुड टाइम फॉर दिस शो टू कम आउट एंड पीपल टू वॉच इट, बिकॉज एवरी वन इज राइडिंग हाई ऑन दोज इमोशंस, सो इट्स गुड। इट्स ब्रिलियंट बट आई नेवर डाउटेड कि हम नहीं यू नो पहुँचेंगे। आई थिंक इंडिया इज़ नोन फॉर बींग साइंटिफिकली एक्सट्रीमली एडवांस्ड, एंड वी सेंड आउट पीपल हु हैंडल टेक्नोलॉजी ऑफ द होल वर्ल्ड, सो इट ओनली मेक्स सेंस फॉर अस टू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम। सो
So I'm not surprised. I'm actually extremely proud and happy, and it's good, you know, in whatever little capacity, essay events in the country inspire you to do whatever you can do in your capacity to do something big, you know, so it's nice. मेरे अंदाज में मैं कहूँगी कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग. मैं क्या बोल सकती हूँ, आई विल जस्ट से कुडोस एंड हैट्स ऑफ टू द होल टीम, एंड इट्स अमेजिंग व्हाट दे आर डूइंग, एंड द होल कंट्री इज बिहाइंड देम. हम सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं दैट द बेस्ट शुड कम आउट ऑफ इट, एंड सबका हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, बिकॉज अ लॉट गोज बिहाइंड दिस. सो मच परमिटेशन कॉम्बिनेशन, महीनों की, सालों की मेहनत. सो आई रियली रियली होप दैट इट्स फ्रूटफुल फॉर देम एंड अस. मतलब अभी एक चीज हो रही है तो सब वही करेंगे. मैं वेब सीरीज एक की है मैंने जो आने वाली है गूट के लिए, और उसमें मैं ऑफिसर प्ले कर रही हूँ, बट मैं आई एम नॉट रिलेटेड टू द स्पेस. आई एम रिलेटेड टू क्या बोलते हैं उसको, फोरेंसिक, एंड मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी. बट या आई एम डूइंग समथिंग इन विच आई एम प्लेइंग एन ऑफिसर, बट नॉट अ साइंटिफिक ऑफिसर, बट आई वुड लव टू. बट आई थिंक दैट्स वाई वी आर हियर टू वॉच मॉम. देर आर सम ब्रिलियंट एक्टर्स इन द शो, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट. किसका? बहुत मज़ा आया. यू नो, एक अथॉरिटी आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में व्हेन यू आर ऑन सेट. यू जस्ट फील लाइक यू नो, यू फील वेरी जेंडर न्यूट्रल फर्स्टली, एंड वो एक फीलिंग आई सबसे पहली, दैट यू नो देर वॉज नो लाइक आई एम अ गर्ल. आई वॉज द ओनली गर्ल कैरेक्टर इन दैट होल शो. एवरीवन एल्स वॉज मेल ऑफिसर्स. मैं एक अकेली थी जो लड़की थी, बट you know it was very nice, and I could actually identify with all the women who work alongside men, and they work like equals, so it was good. It was a really good feeling. Dude, I am just excited about content today on. Oh, can't talk just to him now, you feel left out. Okay, so basically you'll have to edit the first part out, then I'm going to say the whole thing again. So basically, I am at a stage in life जहाँ पे मैं हर project के लिए excited हूँ जो OTT platforms पे आती हैं, because I think जो story बताने का जो मज़ा है, देखने का जो मज़ा है, experience करने का मज़ा है, सब कुछ बदल चुका है. And of course, as I've always said के watching a movie will always remain a very different kind of an experience. बिल्कुल उसी तरह वेब सीरीज़ देखने का और उसे एक लंबे फॉर्मेट में उसे अब्सॉर्ब करने का जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग है. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस स्टोरी. मोस्ट पीपल विल से अरे ये तो फिल्म अभी बनी है, यू नो, बट यू कैन नेवर एवर से के अ स्टोरी कांट बी टोल्ड इन मोर देन वन वे. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द वे दिस इज बीइंग सेट. हेलो, हाउ आर यू? Good, yeah. Okay, so trailer आपने trailer आपने देखा है? The mom. मैंने trailer अभी पूरा नहीं देखा ढंग से, but I've heard a lot about it and I'm quite excited because I think it's a very important subject and मैं देखना चाहती हूँ कि हमने क्या बनाया है. काफी ज़्यादा. As I said कि I think it's a very important subject and I think all the actors are powerhouse performers. साक्षी मैम के साथ मैं काम कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत, एंड पलोमी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस. हमने भी आपको वेब सीरीज में देखा, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो आने वाले समय में और देखेंगे? आई होप सो, भगवान की दुआ होगी तो ज़रूर देखेंगे. अभी मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है असुरा, जो वूट पे है, ये ज़रूर देखेगा. आई थिंक वो अक्टूबर के आसपास आएगी. शूट में बहुत अच्छा रहा. अगेन तनवीर जो बालाजी के साथ पहले एसोसिएटेड थे उन्होंने बनाई है. अरशद वारसी हैं इसमें, बोमन रानी सॉरी वरुण सोपती हैं, एंड निधि है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट. जी, एक्साइटिंग एक्चुअली क्योंकि फिलहाल आई मीन
रिसेंटली हमने चंद्रयान देखा था और अब दिस मेक्स मी फील लाइक मैं ये फिर से मैं देख रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पे मार्स का मिशन है और वो मून का मिशन था. तो इट एक्चुअली फील्स रियली नाइस. जो मोमेंट ऑफ प्राइड था हमारे लिए वो वापस महसूस करने मिलेगा मुझे यहाँ पे फिर से. एंड इट इज़ रियली नाइस दैट समथिंग लाइक दिस हैज बीन मेड एज वेब सीरीज. आई थिंक हम सब इंडियंस की तरफ से भी आई विश देम एवरी लक इन आई मीन ऑल लक इन सक्सेस. एंड ऑब्वियसली देर आर मोर प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव एंड वी ऑल ऑफ यू हम सब बहुत ही प्राउड है कि आप यहाँ तक पहुँचे. इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ सक्सेस. वी रीच great heights and we all believe in you. Hopefully soon. Let's wait. नहीं आए अभी तक? आ रहे हैं, नहीं आए. आएंगे आएंगे. मैं directly shoot से आ रही हूँ. मैं directly shoot से आ रही हूँ. बहुत से ट्विस्ट टर्न. ये तो कसौटी है. कसौटी में अगर ट्विस्ट टर्न नहीं होगा तो और क्या होगा? ऑब्वियसली प्रेरणा अनुराग की तरफ ही भागेगी और अनुराग से प्यार करती है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चली जाती है. रिप्लेस क्यों होंगे? नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर बजाज को छोड़ के अनुराग के पास जाने का. प्रेरणा हमेशा अनुराग के पास ही जाती थी तो अभी भी अनुराग के पास ही जाएगी. मिस्टर बजाज के पास क्यों जाएगी? और खबर आ रही है प्लेस होने जा रही है पॉपुलर के रोल में. आप क्या कहना चाहेंगे, कौन आने वाला है? ये मुझे खबर आपसे पता चल रही है क्योंकि अब तक हमें पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट. और I don't know who's going to be in Kamolika again if not her. क्या हो गया ना मेरा वो जैसे एस ऑफ स्पेस चालू होता है मेरा ऐसा अंदर के अंदर फैशन जागने लगता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जरा इंटरेस्टिंग. सो पिछले साल आई वॉज जस्ट लाइक ऑल ओवर द प्लेस वेरी फैंटेसी बट दिस ईयर आई हैव गॉटन मोर रियल एंड बट येट क्वर्की. दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू है ना. Yeah, mom ka naam hi mom hai and I think the way it's been written, it's so beautiful. I've been lucky enough to see some of the episodes beforehand and I think one of the strongest cast that could be ensemble together has been brought together. I'm a big Sakshi fan. I want to work with her very soon, hopefully. And the way it's been written, the way it's been produced, you'll love it. मैंने कहा साक्षी तनवर इज बैक एंड आई लव वॉचिंग हर ऑन स्क्रीन एवरी सिंगल टाइम शी कम्स. सो चाहे वो दंगल हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो उनका, शी इज ऑलवेज बीन सो फैंटास्टिक. चंद्रयान टू. हाँ प्लीज करो करो कंप्लीट. You know, it is a proud moment not just for me, for every Indian. And it is so important for us to be standing while our country is going ahead and doing missions such as Chandrayaan 2. Because it's important to progress not just in arts but in science in every field. And it is very important to know that not even US or the other countries were able to do it in the first attempt. So इतना नीचे मत करो. कुछ लोग बहुत ज़्यादा एकदम से एक्साइट हो जाते हैं बट इट टेक्स टाइम एंड आई एम श्योर द सेकंड टाइम वी डू इट विल बी सक्सेसफुल. मैं विश नहीं, आई विल राइट टू थैंक देम. थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटायर टीम जो आपने इतनी मेहनत करी एंड यू मेड अस ऑल प्राउड. ओके, एक्सेप्ट दिस प्लेस ऑफ स्पेस की बात करें, वहां पर दो लवर और मिल गए थे वरुण के. सो व्हाट इज योर ऑपिनियन यार? वहां दो नहीं लव बर्ड्स मिले, बहुत सारे मिल रहे हैं वहां. लव बर्ड्स चलते रहते हैं. I think abhi right now we just had Basir and Lucinda, now we have Salman and Nikita. To aise to hoga na jab yaha young log ek sath ek room mein rahenge aur ek ghar mein band rahenge to kuch nahi hota. Ya to ladai karte hai ya pyar karte hai aapas mein, yahi chalta hai.
I'm really excited. I like all the characters, and I've been working a lot, so I'm gonna go and watch it. I'm also excited and looking forward to see all the episodes tonight. You know, mothers play such an important role in our lives, and making a series on that is such an amazing thing. So, and yeah, I don't think Indian television has ever seen a concept like this. So yeah. Our mothers are really geniuses. Like, they do a lot of for us. Absolutely. Huh. I love rain, yeah. I know it's thoda problem ho raha hai, but I love rain specially. So, मुझे भुट्टा खाने में पकोड़े खाने में बड़ा मजा आता है तो मेरा तो वही हाल है मेरा पेट भी बाहर आ गया अब बता पकोड़े खा के मुझे भी exactly same I love rains मतलब I landed in Bombay today और बारिश हो रही थी it was drizzling लोग चिंता कर रहे थे कि क्यों बारिश हो रही बट एब्सोल्युटली मुझे तो बहुत पसंद है मैंने और अपनी बेस्ट फ्रेंड है मेरी बेस्ट फ्रेंड है हम दोनों ने दो तीन दिन पहले जब बहुत बारिश हो रही थी तो हम नीचे जाके पार्किंग लॉट में हमने डांस भी किया था चाक धूम धूम तो आई थिंक आई फील वेरी यंग व्हेन इट्स रेनिंग मिशन मून मार्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे It's really good. I saw the movie also, and what do you think? I feel आज जो concept है जो series बन रही है वो भी it's about how Vidya Balan who's playing the mother and how she got Puri and the whole story is about that thing. I don't know if you watched it. You watched it? I've not yet watched it. Yeah. So. I'm sure we wish them good luck and you know Indians agar aise achievements karte rahe so we'll be really proud get somewhere big absolutely main to bahut khush hu mujhe lagta hai ki hamare pure India ko ye show dekhna chahiye because this is a success story that made that is related to India ISRO achieved something which was so beautiful sabko dekhna chahiye main bahut excited hu वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस मैंने इतना कुछ सीखा है अबाउट साइंस स्पेस सैटेलाइट्स इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव मतलब एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो हाँ जी वेल आग लगा दी आपने आंसर कर दिया इसीलिए देखना चाहिए नहीं सी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो सिमिलर होती हैं लेकिन हर एक का एक यू नो डिफरेंट अप्रोच होता है स्टोरी टेलिंग का तो आई एम श्योर हमारा शो मिशन मंगल से अलग होगा बट एंड सबको पता है कि क्या हुआ है सो दिस इज़ अ डिफरेंट जर्नी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी इसीलिए देखना चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट कम टाइम कम पैसा दे मेड द मिशन पॉसिबल इट इज़ अ ब्रिलियंट अचीवमेंट फॉर इसरो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट आई एम एन इंडियन एंड इसरो एग्जिस्ट्स इन इंडिया एंड वी हैव सच ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स हियर पता नहीं अभी बड़ी अजीब फीलिंग हो रही है बिकॉज आई एम लेट एंड आई एम नेवर लेट तो शुरू हो गया है एंड आई एम फीलिंग एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी है कि क्या रिएक्शंस चल रहे होंगे अंदर नहीं तो मैं जब अपने आप को देखती हूँ सबसे पहले मैं ही सीटी बजाती हूँ थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच जी एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड बिकॉज ये बहुत बड़ा शो है और यहाँ पे ओके बहुत बड़ा शो है और स्पेशली कमिंग बैक टू जब एक लास्ट मंथ आप एक देखते हो एक सिमिलर टॉपिक पे एक मिशन मंगल करके फिल्म आई थी और इतनी बड़ी पैमाने पर लोगों ने देखा था उसे पसंद किया तो ऐसे सब्जेक्ट पे बनाना जिसमें हमारे हमारा देश इंक्लूड होता है पेट्रियोटिज्म इंक्लूड होती है और देश के लिए इतना कुछ इसरो ने किया है तो इतना कुछ देखने को बनता है कि बहुत सारे स्टोरीज़ है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की कहानियाँ हैं पर्सनल कहानियाँ हैं क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ा वो फाइनल मिशन तक पहुँचने के लिए तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच ऑल द स्टोरीज एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस एपिक
से मॉम सीरीज या जी जी एक्चुअली बहुत जल्द इनफैक्ट इसी साल तो वो मैं अभी फिलहाल आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक बट यस इसी साल वी गोइंग ऑन द फ्लोर्स नेक्स्ट मंथ आई थिंक तो विल बी शूटिंग सून एंड इट्स अ ग्रेट शो एंड ऑल आई कैन से इज दैट आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड और एक कंप्लीट